धनबाद से। बॉलीवुड में आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे डांसरों को देखा होगा जो अपने दोनों पैर पर डांस करते हैं और बड़े बड़े मन से जो है पूरा जो है मतलब माहौल लूट लेते हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी लड़की है जो एक पैर से है और ये एक डांसर है। वैसे आपने रियलिटी शो में भी देखा होगा बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो एक पैर से डांस करती है, लेकिन इनकी कहानी कुछ अलग है। ये रेखा मिश्रा जी हैं और ये है धनबाद की, लेकिन इनको चांस नहीं मिल पा रहा है और ना ही किसी बड़े घर की है जो इनको जो है मुंबई किसी DID या किसी और बड़े मंच पर जो है लेके जा सके। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है मतलब कि मुंबई इंडस्ट्रीज में भी जाए और बड़े बड़े डांसर लोग इनको वीडियो देखें और इनको अपने पास बुलाए। वैसे आपको मैं बता दूं, अभी हम पटना में हैं और यहाँ पर जो है ये सोनू सूद जी से मिलने आई थी, लेकिन सोनू सूद से मुलाकात आपका हुआ है या नहीं है आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई सोनू सूद सर जी। देन हम बापू सपाकर जहाँ प्रोग्राम हो रहा था, जहाँ उनका आना हुआ था, देन वहाँ आमने सामने होकर भी उनके टीम मुझे मिलने को नहीं दिए। बहुत सारा ऐसा समय देखा जाता है कि किसी भी शरीर से अगर उनको कुछ नहीं हो पाता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो लोग घर पे बैठ जाते हैं और अपने लाइफ से हाथ धो बैठते हैं, कुछ आशा विश्वास भरोसा नहीं हो पाता। लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ रही हैं और डांस कर रही हैं, इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या मोटिवेशन है आपका? क्योंकि मैंने अपने आप को कभी ना ही लाचार समझी हूँ। हाँ, होता है एक्सीडेंट, सबका बहुतों का होता है। लेकिन एक पैर ना रहने से उनका लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। उनको अपना टैलेंट, मुझ में है वो टैलेंट कि मैं अपने लाइफ को निखार सकती हूँ और अपने ड्रीम तक पहुँचना चाहती हूँ, बहुत बड़ा डांसर बनना चाहती हूँ एंड बन के रहूँगी। वन लेग डांसर बहुत कोई होते होंगे, लेकिन मैं यूनिक वन लेग डांसर बन के दिखाऊंगी। मुंबई में बहुत सारा से रियलिटी शो होता है, डांस कंपटीशन होता है, किसमें आप जाना चाहेंगी और उस मंच पे डांस करना चाहेंगी? मैं डांस इंडिया डांस, डांस प्लस, डांस दीवाने जितने भी शो होते हैं सब जगह जाऊंगी और वहाँ डांस परफॉर्मेंस जरूर करूंगी। जरूर करेंगे, क्या बात है। अब आप समझ सकते हैं कि इनका जो लक्ष्य है वो पूरा बॉलीवुड के रियलिटी शो के मंच पर जाना है। वैसे मैंने सुना है कि आपका यूट्यूब चैनल भी है, और कितना सब्सक्राइबर कितना है वो बताइए। मेरा यूट्यूब चैनल है, जस्ट मैंने 3 महीने पहले ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। मेरा अभी 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर, 3 महीने में 5 लाख। यस, क्या बात है। समझ सकते हैं कि इनका जो है चैनल कितना ग्रो किया है, मात्र 3 महीने में 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। चैनल का नाम क्या है दर्शकों को बता दीजिए ताकि सब्सक्राइब कर ले। वन लेग डांसर मेरा यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी वन लेग डांसर 12 चैनल है। वन लैग समझ रहे हैं आप, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी सर्च कीजिए, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप एक पर से डांस करती है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा दर्शकों को थोड़ा सा दिखाइए। थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सर, ऐसे नॉर्मली सर कैसे डांस कर रहे हैं? 30 सेकंड ना, 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड थोड़ा सा। हाँ, तो दे दीजिए पापा को। आपका वीडियो हम ऊपर तक ना भेजेंगे, प्रूफ दिखाना पड़ेगा सर। वहाँ मैं डांस करूँगी तब नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग निकले। बस स्टेप कुछ कर दो। हाँ, कुछ स्टेप तो देख लीजिए दर्शकों, ये एक पैर पे जो है डांस कर रही हैं, अब आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। जी जरूर स्टार्ट कीजिए आप कुछ भी। ये आप देख रहे हैं, ये एक स्टेप होता है जिसको जो हम जब भी आप एक्टिंग सीखते हैं तो एक स्टेप होता है, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, उस टाइप से ये जो है डांस करके आपको दिखा रहे हैं। ये जुनून जो आप देख रहे हैं, ये जुनून, मैं चाहूँगा कि जितने भी बिहार की लड़कियाँ हैं आप इनसे सीखिए और अपने अंदर जो जज्बा है, जुनून है, जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए आप आगे बढ़िए। इसे कहते हैं हौसला, और इस हौसले को मैं सलाम करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए। और ये पहले इसको आप यूज कीजिए जी, आप आगे बढ़िए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियो के जितने भी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के जज लोग देख रहे हैं और आप लोग अगर इनको मौका देना चाहें तो ज़रूर आप इनसे संपर्क कीजिए, और मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ के जो है आप अच्छा नाम करें और अच्छा जो है आप आपका भविष्य। सोनू सूद से आप मतलब मिल के क्या कहना चाह रही थी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सोनू सूद सर से ये कहना चाह रही थी कि वो सर मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने टैलेंट को ऊपर तक ले जा सकूं जी। और जो मेरा ड्रीम है वन लेग डांसर का, वो सपना मैं पूरा कर सकूं अपने अपने फैमिली का जी। और इसके अलावा मुझसे बहुत से लोगों
का उम्मीद है कि मैं जरूर एक अच्छा डांसर बनूंगी। जी आप यहाँ पे किन के साथ आई हैं पटना में? मैं अपने पापा के साथ आई हूं। बुलाइए पापा जी आ जाइए। कौन है? आइए पापा जी। ये पिताजी इनके हैं। आपका नाम क्या है थोड़ा सा बताइए? कृष्णा कुमार मिश्रा जी। आपकी लड़की अभी एक पैर पे है। बहुत सारे से लड़कियां होती है जिनका शादी कर दिया जाता है लेकिन एक पैर पे आपकी लड़की है, डांसर बनना चाहती है, क्या आप इनका कितना सपोर्ट है आपका आपके बेटे? पूरे सपोर्ट है जी। मुंबई जाएंगे ऑडिशन देंगे वहाँ रहेंगे, सपोर्ट है कि नहीं? सपोर्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोग लड़कियों को मुंबई नहीं भेजना चाहते। हम भेजेंगे, हम साथ में जाएंगे जी। साथ में जाइएगा, भेजिएगा ना। हाँ पूरा उम्मीद है ना, भरोसा बता रहे हैं ना? पूरा उम्मीद है। हाँ ना, पूरा ऑन कैमरा बोल रहे हैं, पूरा उम्मीद है। कैसा लग रहा है? पिताजी पूरा फुल सपोर्ट है। हाँ मेरे पापा बहुत सपोर्टेड है। जैसे हम लोग का एक गांव है सीतलपुर मिश्रा टोला, मैं वहाँ से की रहने वाली हूँ। वैसे बहुतों का वहाँ जितने भी है सबका एक गांव वाला नेचर है और ना दिमाग भी वैसे ही है कि अच्छा टेंथ पढ़ी फिर देन शादी कर दिया, शादी कर दीजिए। लेकिन मेरे पापा वहाँ मुझे बीएससी, आज मैं बीएससी कंप्लीटेड हूँ विद मैथ ऑनर्स। मेरे पापा इतना पढ़ा के मुझे बहुत मेहनत मजदूरी करके, और प्लस मैं डांस भी कर रही हूँ और मेरे पापा बहुत सपोर्टेड है। बिगेस्ट डांसर बनने की ड्रीम है और जरूर पूरा करूंगी। मेरे पापा सपोर्टेड, बहुत सपोर्टेड, और ऐसे पापा सबको मिले। आपके जैसी जो लड़कियां जो घर पे बैठी हुई, उनको कोई आशा विश्वास भरोसा नहीं है, उन लड़कियों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? उनको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन अपने ड्रीम के पीछे मेहनत करना मत छोड़िएगा। वो एक ड्रीम ही है जो आपको सब कुछ देगा जी। और अपना अपने आप पे बिलीव कीजिएगा ताकि वो ड्रीम पूरा कर सके। देन उस ड्रीम में आपको मेहनत भी करनी होगी, मेहनत करेंगे तभी वो आपका ड्रीम सक्सेसफुल होगा जी। चलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बाकी दर्शकों से चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। भले आप हमारे चैनल पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आगे तक जाए और इनका टैलेंट जो है हर लोगों तक जाए, खास करके मुंबई इंडस्ट्रीज में। और सोनू भैया आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे इस बहन को आप लोग मदद कीजिए, इनको मुंबई बुलाइए और एक बार आप मंच जरूर दीजिए। अगर इनके अंदर टैलेंट है तो ये अपना पहचान और जगह मुंबई में जरूर बना लेंगी, क्योंकि मुंबई हर लोगों को, टैलेंटेड लोगों को अपना आशियाना जरूर दे देता है। बाकी दर्शकों से हम कमेंट करके जानना चाहेंगे कि आपको हमारे बहन का कितना टैलेंट अच्छा लगा और आप लोग सपोर्ट कीजिए। अनमोल इधर आइए, थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। अभी आप इनका इंटरव्यू वगैरह लिए हैं, इनके टैलेंट को देखकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए ये बहुत टैलेंटेड लड़की है, एक पैर पे ये डांस कर सकती है, एक पैर पे घंटों खड़ा रह सकती है। और ये धनबाद से यहाँ सोनू सूद से मिलने आई है, प्रिंस भाई के सहयोग से और जितेश भाई और एक दो आदमी जो इनके साथ में लेके आए इनको, और सोनू सूद से लोग मिलवाने का प्रयास किए, बतौर समय नहीं रहने कारण मिल नहीं पाए लोग, लेकिन उन लोग बोले थे कि मिलेंगे। और हमें सोनू सूद पे उम्मीद है क्योंकि वो सबको मदद करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस बच्ची को भी मदद करेंगे और इससे पैर लगवाने में साथ देंगे। और इसके अंदर जो टैलेंट है, अगर इसका टैलेंट निखरे और इसे अगर मौका मिले तो ये भारत को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर सकती है, इतना ज्यादा इसके अंदर टैलेंट है। बस सिर्फ हुनर को निखारने की जरूरत है और टैलेंट को मौका देने की जरूरत है, और इसको लेकर हम लोग लगातार एपिसोड चलाते भी रहते हैं कि टैलेंट को मौका मिले। अभी ये दो स्टेप करके दिखाइए, इतने लोग हैं, सबसे पूछिए, सबको अच्छा लगा होगा। एक पैर पर इतना बेहतर डांस करके दिखा सकती है ये लड़की, अंदर इसका परफॉर्मेंस भी है। हम चाहेंगे कि जो लोग हैं सबको जाके देखे, या इनका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर जाके देखे का वीडियो, बहुत अच्छा ये डांस करते हैं, वो भी 1 लाख डांस है, ये पूरा वायरल भी है, पूरा लोग इन्हें देखते भी हैं। लेकिन देखिए आज सोनू सूद से मिल नहीं पाई, ये हम लोग के लिए दुख की बात है कि इन्हें मिलवाना चाहिए, क्योंकि जो लोग उनका टैटू उनका स्केच बना के लाए थे उन्हें आसानी से मिल पा रहे थे, लेकिन उसी भीड़ में एक लड़की बैठी हुई थी जिसके पास मात्र एक पैर था, जो कि उनसे ही मिलने आई थी लेकिन मिल नहीं पाई। लेकिन हमें उम्मीद है कि सोनू सूद इन्हें मदद करेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या टैलेंट हमने देखा, क्या बात हुआ कि आप इनको जो है आगे बढ़ाने के लिए आगे आए? इनका वीडियो हमेशा वायरल होता है, समझे, और हमेशा वायरल होता है। एक वीडियो इनका बहुत वायरल हुआ था जहाँ पे इनका मुझे बहुत मुश्किल से इनका नंबर मिला मुझे, जी, जी। घर गए थे इनका, तो वहीं पे इनसे मुलाकात हुई जी। और ये बच्ची को ना बहुत आगे जाना है, इनको ना कहीं ना कहीं इंडिया का सबसे बड़ा डांसर बनना है। इससे पहले भी 1 लाख डांसर आ चुके हैं DID में, आपको शायद पता होगा, और पूरा उन्होंने माहौल जमाया था। अगर इनको भी अगर सपोर्ट मिले ना, बट दिक्कत क्या है कि जब वो जो 1 लाख डांसर थी ना, उनके पैर में हाइड्रोलिक पैर लगा हुआ था जो काफी महंगा आता है, 10-15 लाख का आता है। हमारे बिहार झारखंड में ऐसा कोई सोनू सूद के अलावा कोई शायद मसीहा नहीं, इसीलिए कारण इसका नहीं लग सका है, क्योंकि हमेशा इनका वीडियो वायरल है। बहुत दुख की बात है, और मेरे से जितना हो पा रहा है सोनू सूद से मिलवाने का कर रहा हूँ,
और देखिए अगर सोनू सूद अगर मिल लेते हैं तो कहीं ना कहीं बच्ची के लिए अच्छा होगा और हम जैसे पत्रकारों के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है। हम लोग मेहनत सबको लगाएगा। बाकी दर्शकों आपसे हम अनुरोध करना चाहेंगे वीडियो शेयर कीजिएगा और सोनू भैया आपसे भी हम मतलब कि नतमस्तक होते हैं और आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप जो है हमारे धनबाद की बहन को आप मौका दीजिए आगे बढ़ने का, जो अपॉर्चुनिटी आप दीजिए और एक मंच दीजिए और साथ ही साथ इनका पैर है जितना जल्द लगवा दीजिए ताकि अपने ये दोनों पैर पर जो है आगे बढ़ सके और अपना भविष्य जो है उज्ज्वल कर सके। बाकी दर्शकों आपसे हम कहना चाहेंगे हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।